हाय दोस्तों, अभी हम आए हैं मटके की दुकान पे। अगर आपके घर में या हमारे घर में अगर मटके लीकेज हो जाए तो उसको किस तरीके से रिपेयरिंग करना है, आप चलते हैं अगर देखते हैं कैसे रिपेयरिंग करता है, उन्हीं से जाके पूछते हैं। तो अभी देखिए मटके बहुत सारा लगा हुआ है, अभी देखेंगे मटके कैसे रिपेयरिंग होता है। चलिए, तो पहले सबसे पहले हम देखना है कि ये मटका जो हमने ख़रीदा है तो इसको लीकेज है नहीं, तो पहले ये बजा कर देख लोगे, ऐसा साउंड आना चाहिए, मतलब टूटा हुआ होगा ना, तो इतना बजने से भी टूट सकता है। ओके, तो ये हमारा टूटा हुआ नहीं, तो पहले हम इसमें पानी डालेंगे, पहले इसको पानी थोड़ा डाल के चेक करेंगे कि कहाँ कहाँ लीकेज है। ओके, पानी डाला, अब हम इसको थोड़ा ऐसे लेंगे, इस तरीके से देखेंगे नीचे, हाँ कहीं तो लीकेज है, पानी निकल रहा है, तो अभी इस तरीके से हम करेंगे इसको। तो यहाँ देख सकते हो, यहाँ जो है ना, यहाँ हमारा लीकेज लग रहा है, ये देख सकते हो पानी आ रहा है, इधर से पानी हमारा खुद ब खुद इसमें से निकल रहा है, तो यहाँ हम इसको रिपेयर करना है। तो चलिए रिपेयर कर रहे हैं, पहले इसको पानी को खाली कर लेना है, इस तरीके से पानी हमको हटा देना है। अब ये मटका हमारा ड्राई हो गया, हमें निशान कर लेना है, यहाँ हम पहले किए थे यहाँ, तो यहाँ थोड़ा इसको सूखा करके, अब आपको क्या करना है, ये जो है ना इधर था अपना, इसको थोड़ा सूखा करने के बाद हमें ना एनसील का यूज़ करना है। एनसील एक ऐसा होता है जिसको चिपक जाते हैं एक बार में, तो इस एनसील को हमें पहले बनाना पड़ता है, करीब 2 से 3 मिनट तक आपको इसको बनाना पड़ता है, उसके बाद ही होता है ये। तो चलिए पहले हम इसको थोड़ा सा एनसील लेंगे, क्योंकि ज़्यादा नहीं टूटा हुआ है, थोड़ा सा एनसील लेंगे, ये देख सकते हो थोड़ा सा एमसील को लेंगे, उसके बाद ये दोनों हाथ से रख के आपको पहले मिलाना, मतलब करीब 2 मिनट तक इस तरीके से जैसे खैनी को बनाते हैं ना, इस तरीके से आपको बनाना पड़ता है, ये इस तरीके से हम बना सकते हैं। करीब आपको 2 मिनट तक ऐसे करना है आपको, मैं अभी आपको ये शॉर्ट देख रहे होंगे वीडियो में, जहाँ लीकेज है हमने निशान कर दिया, हमें याद है यहाँ पर लीकेज था, तो ये इसके बाद हम इसको थोड़ा बनाएंगे। ये नहीं बनेगा ना, अगर बराबर नहीं बनता है तो ये फिर आपको ऐसा गीला हो जाता है पानी रखने के कारण, फिर से गीला हो जाता है, फिर से उखड़ जाता है, तो हमें ये पूरा पहले बन जाना चाहिए, इस तरीके से पहले पूरा बनेगा, उसके बाद ही हम इसको यूज कर सकते हैं, बाकी नहीं तो नहीं हो पाएगा। चलिए, तो ये हमारा जो एमसील है ना ऑलमोस्ट अब रेडी हो गया है, मैंने उतना लिया था, ये इतना बना है, ये टुकड़ा बहुत ज़्यादा हेल्पफुल करेगा हमारे मटका बनाने के लिए। चलिए, अब ये बनने के बाद आपको थोड़ा सा लेना है, क्योंकि जब मटका बनाओ ना, रिपेयर जो भी करता है, इवन हम लोग भी करते हैं, तो पता भी नहीं चलना चाहिए कि ये मटका जो है ना हमारा रिपेयर्ड है। ओके, तो इस तरीके से ये रेडी है, अब इसको आपको थोड़ा इस तरीके से रब कर लेना है। रब करने के बाद अब ये जो हमारा जहाँ टूटा हुआ है, मतलब थोड़ा सा लीकेज है, ये देख सकते हो, थोड़ी सी पानी की ज़रूरत पड़ती है, तो पानी आपके पास होना चाहिए। और ये जो मैं बता दूँ उससे पहले कि ये एमसील आता कितने का है, तो बड़ा पैकेट 20 रुपये का आएगा, छोटा पैकेट 10 रुपये का आता है। एमसील 20 और 10 रुपये का आता है, तो आप मार्केट से किसी भी हार्डवेयर में आपको आसानी से मिल जाएगा, तो आप उसको पहले ख़रीद लो, उसके बाद होना चाहिए। तो मैंने पहले बता दिया कि वो क्या ज़रूरत पड़ेगा, उसको आपको ख़रीदना है, उसके बाद आपको दो एमसील ख़रीदना है, एक ब्लैक और वाइट, ब्लैक और वाइट को दोनों मिक्स करके जैसा मैंने पहले लगाया था इस तरीके से लगाया था, ये देख सकते हो ये ब्लैक एमसील है और ये जो है ना ये वाइट एमसील है, ये दोनों मिला के मैंने लगाया, तभी ये चिपकते अच्छे से इस तरीके से, अभी इसके बाद ये पत्थर बन जाता है। तो चलिए अब हम मटके में डायरेक्ट लगाते हैं, तो जहाँ हमारा लीकेज है ना वहाँ पहले इस तरीके से लगाना है, थोड़ा सा तरीके से लगाना है, इस तरीके से लगा देना है आपको, क्योंकि ज़्यादा मोटा नहीं मांगता है, थोड़ा सा पतला होना चाहिए, जहाँ जहाँ आपको लीकेज ऐसा फील हो रहा है ना वहाँ वहाँ लगा देने हैं, इस तरीके से मैंने लगाया। अब थोड़े से पानी की सहायता से, थोड़ा सा पानी की सहायता से इसको इस तरीके से आपको कर देना है कि मतलब इसके शेप में चला जाए, ये ऐसा नहीं होना चाहिए कि ऊपर से निकला हुआ होना चाहिए, क्योंकि लोग ऐसा, या आप अगर घर में बना रहे हो तो थोड़ा अच्छा नहीं लगता है ना, देखने में अच्छा नहीं लगता है। इसको हम ब्लैक कलर से फिर से रब कर लेंगे, ब्लैक कलर हम ऊपर से यूज करेंगे इसको बनाने के लिए, बाकी अभी तो मैंने पहले इसको फिट कर रहा हूँ। ये होने के बाद क्या करना है वो भी मैं आपको बताऊँगा, तब तक तो पहले आपको इस तरीके से करना है, ये थोड़ा एक बार अगर पकड़ लिया ना तो फिर मटके की लीकेज ख़त्म हो जाती है, इस तरीक़ा से एक बार अगर ख़त्म हो जाए तो, समझे, इस तरीक़ा से आपको लीकेज ख़त्म हो जाती है। अब ये हमारा मटका बन के रेडी हो चुका है,
ये देख सकते हो। अब हम इसे करीब आधा घंटा धूप में सुखाएंगे। धूप में एक बार ये सूख गया तो पत्थर बन जाता है, ये आपको ध्यान देना है। इसको धूप में थोड़ा सुखा देना है। अभी हमारा मटका बनके रेडी हो गया, उसके बाद मैं चेक करके भी आपको बता दूँगा कि लीकेज नहीं होगा। अभी देखिए ये मटका को जो है लगा दिया है। अब इसको जो है ना 25 से 30 मिनट के लिए इसको धूप में सूखने के लिए देना है। अब देखिए ये हम धूप में ले आए हैं इसको। अभी देखिए धूप कितना है, एकदम कड़क धूप है। इसको जो है ना देख लीजिए, हम 25 से 30 मिनट के लिए सूखने के लिए दे देंगे। उसके बाद आप जो है कलर देख लीजिए, जो मेरा मटका जो है ब्लैक कलर है, तो हम इस पे जो है ना ब्लैक कलर मतलब यूज कर सकते हैं। अपना जो भी मटका हो, मतलब अपना हिसाब से कलर जो हो उसके चूज करके, उसके बाद अच्छा से कलर करके अपना पहले जैसा मटका बना सकते हैं। ओके, थैंक यू।